नमस्कार जी। जे एजुकेशन पॉइंट में मैं गार्गी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर विधि की। प्रश्नोत्तर विधि यूजीसी नेट के पेपर 1 और 2 में, शिक्षा शास्त्र में, मनोविज्ञान में, दर्शन में, पीजीटी शिक्षा शास्त्र, पीजीटी मनोविज्ञान, पीजीटी दर्शन आदि में तथा बीएड और एमएड के सिलेबस में भी इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के विचार से। आज का विचार है, किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। पिछली वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था, समीक्षा नीति विधि में निम्न का उपयोग होता है, लिखित रूप में क्रियान्वित का, मौखिक रूप में क्रियान्वित का, लिखित एवं मौखिक रूप में क्रियान्वित का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है लिखित एवं मौखिक रूप में क्रियान्वित का उपयोग समीक्षा नीति विधि में किया जाता है या होता है। प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि, देखिए प्रश्नोत्तर विधि की शुरुआत किसने की थी, प्रतिपादन जो है सोहरात ने किया था। यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित विधि है। प्रश्नोत्तर क्रियाकलाप के दौरान छात्र अधिक सक्रिय प्रतिक्रिया करते हैं। देखिए जब हम बच्चों से प्रश्न करते हैं तो वो बच्चे उसका उत्तर देते हैं, और फिर हम प्रश्न करते हैं फिर उत्तर देते हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चों का टीचर के प्रति इंटरेक्शन अच्छा हो जाता है। क्यों अच्छा हो जाता है? क्योंकि बच्चा हमारे कहे हुए शब्दों को, हमारे वाक्यों को, हमारी बातों को सुन रहा है, और उसके बाद वो अपने दिमाग पर जोर डालकर हमारे प्रश्नों का उत्तर भी दे रहा है। तो प्रश्नोत्तर विधि जो है एक बहुत बढ़िया विधि है बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो छात्रों का मूल्यांकन का, छात्रों को ने क्या सीखा उसका मूल्यांकन भी वो कर, कि बच्चों ने हमारी बात को सुना भी है या नहीं सुना, सीखा भी है या नहीं सीखा, टीचर को ये चीज़ पता चल जाती है। इसमें क्या होता है, पहले तो क्वेश्चन का निर्माण किया जाता है, उसके बाद उसको कैसे प्रेजेंट करना है ये सीखना पड़ता है, उसके बाद विद्यार्थी के माध्यम से नवीन ज्ञान का अनावरण करना पड़ता है। जब हम बच्चों के लिए प्रश्न बनाते हैं, उसके बाद बच्चों को प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न प्रेजेंट करते हैं बच्चों के सामने प्रश्न, और उसके बाद उनको नया ज्ञान देते हैं या उनसे जो जानकारी है उसको बाहर निकालते हैं प्रश्नों के माध्यम से। प्रश्नोत्तर विधि के गुण दोष क्या हैं? ये सभी परिस्थितियों के लिए प्रयुक्त होती है। संप्रेषण क्षमता को बढ़ाने में सहायक होती है, व्यक्तिगत समस्याओं का हल ढूंढने में सहायक होती है। और दोष क्या हैं इसके? पर्याप्त कौशल होना अपरिहार्य, यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा क्वेश्चन पूछने में जो है एक्सपर्ट होगा। शिक्षण की पद्धति विश्वस्त, संकुचित छात्रों के लिए लाभप्रद नहीं है। छात्रों के लिए क्यों लाभप्रद नहीं है? क्योंकि ऐसे बच्चे भी क्लास में होते हैं जो कि आपके क्वेश्चंस का या प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं, तो उन बच्चों पर ये विधि जो है वो लागू नहीं हो पाती है या कारगर नहीं होती है। शिक्षण में अधिक लाभ की आवश्यकता होती है, ऐसे प्रश्न बनाने चाहिए जिससे कि हर टाइप का बच्चा इनसे उत्तर दे दे। यह हमारी प्रश्नोत्तर विधि कंप्लीट होती है। अब है प्रश्नोत्तर विधि से रिलेटेड एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में लिखकर। प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कौन थे? अरस्तु, प्लेटो, सुकरात और हीगल। तो वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।